क्या होता है कि यार ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है. अच्छा, yeah, I don't deserve it. That's what I feel personally. I'm not being modest, but that's what I feel personally. But yeah, so I'm very shy, very introvert. तो मुझे कभी-कभी react करना समझ नहीं आ रहा था कैसे react करूँ. Especially the female fans जो आपकी crazy lot. Exactly. और जब public places में उनके साथ कोई interaction होता है तो I get bit awkward. कोई crazy हुआ fan experience कोई? Crazy as such नहीं, but yes, एक I don't know whether it's crazy or not, but एक I went to this mall with my family once, and वहाँ पे कुछ खातून थी. ठीक है, तो मैं फिर अपनी फैमिली के साथ गाड़ी में बैठा एंड देन वी लेफ्ट. हम घर जा रहे थे एंड देन वो कुछ देर बाद उन्हें एंड में देखा था एंड देन दे स्टार्टेड फॉलोइंग अस. तो फॉलो करके वो घर पे आए, देन पीछे से उनकी गाड़ी थी एंड दे वर लाइक वी वांट टू टेक पिक्चर्स, वी वांट टू टॉक टू यू एंड ऑल. ओके, ठीक है, दैट्स क्रेजी. और ये रंगरेजा के चौथे पाँचवें एपिसोड ऑन एयर होने के बाद एकदम से, तो चलो इंटरेस्टिंग, दैट्स इंटरेस्टिंग. अब हम एक छोटे सा क्रेजी फैन एक्सपीरियंस खुद करने की कोशिश करते हैं. सो हम एक इंसान को कॉल करेंगे, उन्हें नहीं पता कि आप बात कर रहे हैं उनसे, शी इज अ क्रेजी फैन ऑफ योर्स. होपफुली लेट्स सी कि उनका रिएक्शन कैसे होता है. उनको पक्का नहीं पता, उनको नहीं पता. उनके भाई को पता है जिससे मैंने बात की है. अच्छा, भाई को पता है. हेलो, सामने को आमना जी. आमना, दिस इज मोमेन, आई गॉट योर नंबर फ्रॉम मोहसिन जी. जी, मेरा संपर्क था, मुझे दे दिया था. अच्छा आमना, मेरा एक दोस्त है, वांट्स टू टॉक टू यू. अच्छा, आप बात करते हो जरा. Hi Amna. Hi. It's me Bilal Abbas. How are you? आप कौन है? आप कैसे हैं? ठीक ठाक. Do you know me? Yeah, I do. I'm a big fan of. इतना ठंडा है कि रिएक्शन इससे दिया है यार. Yeah. So ये कार्ड देना भाई तुम. कर लिया. बड़ी एक्सपेक्टिंग है कॉल आमना. Hello. Hi Amna. प्री प्लान लग रहा है मुझे. Hello. Hi. मैं तो आपसे मिलना चाहती हूँ. ओके, ये आ गया. अच्छा, आपसे बताया मैं आपसे कल कहाँ मिल सकती हूँ. नहीं तो फिर आपने पहले इतना ऐसा रिएक्शन क्यों दिया था? हाँ हाय बिलाल, जैसे मेरी रोज बात हो रही होती है बिलाल से. घर पे ही होता है आगे पीछे. हाँ, ये मेरा एक सरप्राइज था, इस वजह से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही. अच्छा, नहीं इंशाल्लाह. आप मोमेंट के जब हम लोग थर्ड करेंगे, सेकेंड इंटरव्यू के लिए जब आएंगे उस टाइम पे आप ज़रूर आइएगा. एंड थैंक यू सो मच कॉल रिसीव करने का और इतना ठंडा एक्सप्रेशन देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया. सो बिलाल, आपकी मैंने कुछ दोस्तों से बात की है. सो आई फाउंड आउट के लॉरेंस कॉलेज जिना हाउस में थे आप वहाँ पर. हाँ, और आप वहाँ पे काफ़ी शरीफ पप्पू बच्चे होते थे वहाँ पे. तो आपको कोई ट्रबल नहीं चाहिए किसी के साथ अपने काम से. काम ट्रबल तो मुझे आज भी नहीं चाहिए. अच्छा, तो तब का शरीफ बेचारा बिलाल अब्बास और दिस बिग बैड वर्ल्ड ऑफ शोबिज़, क्या डिफरेंस है दोनों बिलालों में? यार, देयर इज नो डिफरेंस ऑनेस्टली. एक भी डिफरेंस नहीं है मेरे अंदर अभी. आई एम स्टिल दैट सेम पर्सन. मेरे अभी भी वही दोस्त हैं जो पहले थे और जिनके साथ मैं पहले हैंग आउट करता था, जिनके साथ मेरा लाइफस्टाइल पहले था. इट्स एग्जैक्टली द सेम, नथिंग हैज चेंज्ड. अच्छा, हां ऑब्वियसली यार, वर्क एथिक्स थोड़ा. अब काम को मैं बहुत सीरियस लेता हूँ, सो मैं थोड़ा प्रोफेशनल हूँ, थोड़ा काम के बारे में थोड़ी टेंशन ज़्यादा लेता हूँ. सो अपार्ट फ्रॉम इट, मेरी पर्सनल लाइफ इट्स एक्चुअली वेरी सेम. ओके बिलाल, टू आस्क अ क्वेश्चन एंड यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट व्हेन यू आंसर दैट, कि इंडस्ट्री में घुसने के लिए टैलेंट, कनेक्शंस या लक, इनको रैंक करें तो पहले क्या आता है आपके हाथ से? वैसे ऑनेस्टली आई थिंक टैलेंट इज इम्पॉर्टेंट, बट इंडस्ट्री में घुसने के लिए आई थिंक पर्सनली कनेक्शन, लक एंड टैलेंट, राइट? सो मैंने सही बोल दिया. अच्छा, कनेक्शन, लक एंड टैलेंट. अच्छा, आपकी बात करें, आपको इंडस्ट्री में कुछ 4 साल हो गए, एज यू मेंशन. मैं 2 साल सोच रहा था. सो यू नो, हम सुनते हैं कि कास्टिंग काउच एग्जिस्ट करता है एंड व्हेन यू जॉइन द इंडस्ट्री शुरू में तो बहुत इस तरह के कुछ एडवांसेस, तो क्या कुछ सीन हुआ था इस आपके साथ? यार, आई हैव बीन वर्किंग फॉर लास्ट 4 इयर्स एंड आई वाज, इट्स दिस इज माय 7th ईयर नाउ, जब से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ. ठीक है, सो उससे पिछले 3 साल का पीरियड था. अगर आप किसी भी टैलेंट एजेंसी के पास जाओ आज, तो सबके पास मेरे ऑडिशंस पड़े हुए हैं. अच्छा, सबके पास मेरे एक्टिंग के वो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं. दैट माय, हेलो माय नेम इज़ बिलाल अब्बास, माय फ़ोन नंबर इज़ दिस, यू नो. फोन नंबर बता दे अपना. मैं उनका बता दूँगा. सो वो सब कुछ है. तो येस ऑब्वियसली यार, उस टाइम पे आई यूज टू कम अक्रॉस दी सॉर्ट ऑफ थिंग्स, बट और अब वो आई वोंट नेम एनीवन, बट वो जो लोग जिनके साथ ऐसा एक्सपीरियंस होता था, अब जब मुझसे मिलते हैं भाग जाते हैं देख के मुझे. अच्छा, अच्छा बिलाल, आपको एक छोटी सी वीडियो दिखानी है मैंने, याद है आपको? ये मेरा छोटा भाई है. याद है आपको वीडियो ड्रामा? यार ये कैसे भूल सकता हूँ मैं, ये ड्रामा मेरे लाइफ का पहला सोप था। ये ड्रामा भी नहीं है, सोप है, और इसमें मैं थर्ड लीड कैरेक्टर में था। फोर आपका रिएक्शन लूँ, आपको पहले एक और वीडियो दिखा दूँ मैं, एक और भी है। इन देखो मैं बताऊँ, अब इससे भाई आपका नहीं नहीं, ये मैं ही हूँ, बट इसके पीछे, दोनों के पीछे बहुत बड़ी स्टोरीज हैं। ओके ठीक है, जो सोप था ये खुशहाल ससुराल एंड एज आई जस्ट टोल्ड यू, मैं यू नो इट्स माय 7th ईयर और मैं उससे 3 साल पहले वाला वो स्ट्रगलिंग, तो मुझे बस था कहीं मुझे काम मिल जाए बस। ये 2016 का नहीं सोप? ये नहीं, मैं उससे पहले जो 3 साल तक मुझे किसी ने काम नहीं दिया। इससे पहले भी कुछ और था? अच्छा, स्ट्रगल की बात हाँ, है ठीक है। उससे पहले मुझे किसी ने, मैं थिएटर करता रहा उससे पहले, उससे उस वक्त मैं अपने वाइन्स यही डस्टमैश वगैरह ये सब चीज़ें करता रहा। तो 2016 में मुझे जाके पहला सोप मिला और वो ये सोप था थर्ड लीड पे। ठीक है, और मेरा कैरेक्टर पता है क्या था इसके अंदर, कि घर में भाई और अम्मी की अगर लड़ाई हो रही है तो बस मैं बोलता हूँ भाई, क्या बोलते हैं आप अम्मी? वही तो, भाई अम्मी कुछ कह रही है तुम जाओ बाहर, जी भाभी, दैट्स इट। तो मेरी लाइन्स इतनी होती थी। okay. और या सो पहले ही सोप था एंड देन फिर आहिस्ता आहिस्ता करके, बिकॉज काफ़ी लोगों को ये नहीं पता, काफ़ी लोग समझते हैं मेरा रंगरेजा पहला ड्रामा था। अच्छा हाँ, काफ़ी लोग कहते हैं नया लड़का आया है, मैं कहता हूँ नया लड़का नहीं हूँ, मैं बहुत पहले से काम कर रहा हूँ, बट अगर चलो देर से ही सही, अगर आज जाके लोगों ने पहचाना। सो डब्समैश का शौक था आपको बहुत? मुझे कोई शौक नहीं था डब्समैश का, टू बी ऑनेस्ट। मैं सिर्फ इसीलिए डब्समैश बनाता था कि मुझे कोई काम देते, मुझे कोई काम नहीं देता था। अच्छा, मैं हर प्रोडक्शन हाउस जा चुका हूँ, हर चीज़ ट्राई कर चुका हूँ, मुझे कोई काम देते, बट मुझे किसी ने मुझे अप्रोच नहीं किया, किसी कोई मुझे काम ही नहीं देता था। तो लास्ट ऑप्शन ये था कि यार वाइन्स बना लो, डब्समैश बना लो, सोशल मीडिया पे कोई ना कोई देख जाएगा, किसी को टैलेंट नजर आ जाएगा तो ये कर लो। तो ये जो है तेरी मैं पहनूं तेरी मानूं, ये मजबूरी में बनाई है मैंने। तो अभी पढ़िए वैसे फेसबुक ऑनलाइन मेरा पेज अभी भी है डब्समैश थिएटर के नाम से। अच्छा, तो मैंने नाम देखो कितना जबरदस्त, डब्समैश थिएटर, लगे वाओ क्या क्या सीन है। तो अभी एक डब्समैश बनाए हम अभी, लेकिन एक्चुअली वो बहुत बड़े हरामी टाइप का। ओके, सो नो इसकी बात करें, बॉलीवुड की बात करें, सो नो रिसेंटली आई द हम स्टाइल अवार्ड्स, यू वॉर दिस सूट, ठीक है। पहली बात मुझे अभी दैट एंटायर लुक, डिड यू क्रिएट दैट योरसेल्फ कि राव केम टू यू विद द लुक, इन क्या सीन था? यार टू बी ऑनेस्ट मैं एक बात बताऊँ, एज अ पर्सन आई एम नॉट कैलकुलेटिव, मैं वो चीज़ नहीं करता, आई फॉलो माई गट फीलिंग, आई फॉलो माई इंस्टिंक्ट। और ये कपड़ों की तो बहुत दूर की बात है, अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट अच्छा लगेगा और अगर मुझे लगेगा कि उसका स्केल इतना बड़ा नहीं है, बट इफ़ आई you know my gut allows me to do it, so I do it. So Rao ke paas I went one day, so us waqt Rao ke paas ye option tha and I found it very cool. So you know that Ranveer Singh wore the same suit, so exactly. So mujhe dekho ye meri kabhi intention nahi thi ki Ranveer Singh ne pehna hai, so I want to copy that, kyunki Ranveer Singh ki brand image alag hai, I have a different image altogether, so